राम राम जी, मैं हूं नीतू वर्मा। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। कैसे हो आप सब? अब आप लोग मुझसे पूछो कि मैं कैसी हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी आवाज से आपको पता लग रहा होगा, कोल्ड हुआ है मुझे। दो दिन से मैं बेड में ही पड़ी थी, दो दिन से बिल्कुल नहीं उठी हूँ वहां से। थोड़ा बहुत खाना वाना बनाया है और खाया है, बस इतना ही है। और आज थोड़ी हिम्मत करनी पड़ी, बिकॉज आज हम लोग जा रहे हैं मैरिज में। आज हमारे DOP परवेश पांचाल जी हैं, उनकी सिस्टर की मैरिज है। तो मैं और बच्चे और विजय जी वहाँ के लिए निकलेंगे शाम को। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ पार्लर और मेरे साथ जाएंगी अमरीन। आपको क्या करवाना है वहाँ पे? आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ। अमरीन को हेयर करवाने हैं वहाँ पे, थोड़ा सा हेयर कर्ल करवाएंगे इसकी। और तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, बातें भी नहीं हो पा रही हैं, पर क्या करें, मैरिज अटेंड करनी बहुत ज़रूरी है, तो आज जाना जरूरी है। तो अभी हम निकल रहे हैं सलोन के लिए। विजय जी आ रहे हैं, वो गए थे चंडीगढ़ शूट के लिए, और कल रात को उनका लेट नाइट तक शूट चला है। फिर वो वहाँ से आ रहे हैं वापस, और अमरीन का एक बार और टाइम आ गया है बोर होने का पार्लर में, है ना। हमेशा का है वो, तो हमेशा का है, पर टाइम पास हो जाता है फोन के साथ, है ना। हाँ, उस दिन तो बैटरी भी कम थी फोन में, तो 1% बैटरी, आप खुद ही बताओ। 1% ही रहेगी ना, गेम खेलते रहोगे तो क्या होगा। आज तो मैं वो ध्यान से हूँ, 49% बैटरी कर रखी है मैंने। ये बहुत ज्यादा है, कम है ये भी। कम है बट चल जाएगी इतनी तो गेम के लिए। तो गाइज, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं आ गया था शूटिंग से। शूटिंग से आने के बाद, पूरा डे नाइट काम करने के बाद, देखो मैं फिर से रेडी हो गया हूँ दोबारा से अपने मिशन पर जाने के लिए। और इस बार मेरे मिशन के सिपाही हैं नवी, कवि यानी कि, और अभी यानी कि एडिटर। ये चौपिया, ये कमाल। और हम लोग यहाँ पे आप इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। नया चोपड़ा है। ये थोड़ा सा संभल के रही। अच्छा, ये लोग सोच रहे हो कि यार ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हो सकता है सर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो ये अमरीन है, हेलो करो। और ये 1 second, ये देखिए नीतू जी इतनी इमोशनल हैं एक्चुअली भेड़ बकरियों को लेकर के, कि इनकी हर ड्रेस में कहीं ना कहीं भेड़ की खाल आ ही जाती है। जानवर दी, साथ रहने ये जानवर साथ कहने का मतलब क्या है? जानवर साथ मतलब इनडायरेक्टली ये सब जानवर है बे? नहीं, ये सब जानवर है, ये सब जानवर है। नहीं, नहीं। और ये देखिए, ओ एक मिनट, हिल जाओ। अरे कौन आ गया? अरे अरे, अच्छा आदि आ गया। तो दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ इतनी सारी तबाही मचाने के बाद, शादी में तबाही मचाने जी। तो दोस्तों, जैसे कहीं भी जाने से पहले गिनती होती है, आ भाई रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 6 नंबर पे है रोल नंबर, 3, 4, 5, 6। यस, नहीं वो ऑलवेज यार, वो अलग ही है, लेवल ही अलग है। तो दोस्तों, हम सब जैसे कि इतने तैयार हो रखे हैं, इससे आइडिया हो रहा है, और चोपड़ा साहब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी का पीलिया देने जा रहे हैं। दोस्तों, पीछे न्यूज चैनल में देख रहा था, तब दिखाया था कि एक ऐसा झुंड है जो शादियों में घुस जाता है, वो ये है। ये पीछे हमारे सरकना बैठे हैं, और ये सरकना बैठे हैं, सरकना सरकते ही नहीं। देखो, हाँ जी हाँ जी, ये इनकी स्पेशलिटी है दोस्तों, अलग अलग। ये जो इंसान है, ये टूट के पड़ता है गुलाब जामुन पे। मुझे ना गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी सब पसंद है, लेकिन मैं खाता एक एक। यस, नहीं नहीं समझ नहीं, एक एक करेट की बात कर रहा हूँ, एक एक करेट की बात कर रहा हूँ, और ये गुलाब जामुन पे टूटती है। मुझे और कुछ नहीं अच्छा लगता, गुलाब जामुन और गाजर पाक। यस यस यस, गोलगप्पे देख के जो है मैडम मानती नहीं है। और पीछे जो वो बंदा बैठा है जो अपना मुंह छिपाए हुए, जो दिखाना एक बार भी पसंद नहीं करता। यस, ये गाजर पाक भी टूट के पड़ते हैं बुरी तरीके से। और भाई आज भी शादी में इनवाइट है, आज इनवाइट है एक्चुअली, नहीं इनवाइट में अकेला था, ये टूट के पड़ रहे हैं साथ में।
दोस्तों शादी से हम लोग आ गए हैं, हम आए हैं नवी के घर यानी कि अपने घर, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फाइनल हुआ धूम फोर जम मचा ले इधर देख। हेलो करो बेटा, हेलो कर दो, हेलो ये हेलो। क्या बात है, क्या बात है, और आपको दिखा दूं चाय के लिए तरसती आंखें। टी लवर, टी लवर है वो। और ये देखो दोस्तों दो बंदे ये भाई यूं बांट दे जन पतला हूं देख रहे हो पतला हूं। ये देखो नाम है एक पिप्पा गुलाब जामुन खा गया वो आदमी। हाँ इसका मतलब यो बो खान खातर जीवा। हाँ मेरा जीवन है ड्राइवर है ना उठे मेरा मुंडा उसके बाद में मैं बोला मगा भाई केड़े खा ले तू भी उस ड्राइवर तो बोला होटल में जाने की बात नहीं भाई हाँ केड़ा तो खाना पड़ेगा आज तो महा तू विजट है केड़ा नहीं है मकान से। तो बोला नहीं नहीं बोले आज मेरा तिल कुटी का फास्ट है मैं तेरा है भाई तो शायद लड़के रखती है और तेरे तिल में बोले नहीं मेरा भी है असल ठीक है। कट टू 10 मिनट के बाद मैं आया मैं सारे इसकी दाए मारा बोल के इसमें निबला भाई सब कोई दिक्कत नहीं तो पराठा भी खाऊंगा मैं क्या तरह निबला करके नाट गिर बोला आधे घंटे बर्तन एक्चुअली पराठा देखे ना इसका आलू का पराठा करा जो खाना यार वो देखना गया मेरा नहीं करना फोन गिरा कि नहीं गिरा बोला मेरा तो फास्ट हो गया थी। काउंटिंग किसने सिखाई? मम्मी, मम्मी ने? किसने सिखाई? मम्मी ने सिखाई। एक बार सुन करवा दो ना, बोल दो बनवा दो वन टू थ्री। दिव्यांश वन टू थ्री सुनाओ। सुनाओ। वन दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ जो बच्चे होते हैं वो काउंटिंग में जब 10 पे पहुंच जाते हैं तो उनको लगता है कि हमने जिंदगी की जंग जीत ली है। आईज नोज का है? नोज अपने आप बता दीजिए। लिप्स का है? लिप्स ठीक है उधर बताओ उनको आईज नोज लिप्स बस 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 ईयर छोटू बोलते हुए बेटा चला लो गाड़ी चला लो। ये देखो गाइस ये इनके सोने का तरीका देखो आप सो थोड़ी रहते मैं सुला रहा था गुड्डू मन हमको पता था अभी व्लॉग ऐड करना था हम अच्छा। नहीं मैं लेकिन मैं तो सुला रहा था आपको सुलाने की कोशिश बड़ी की पर नहीं सो पाई मैं। देखो कितना खराब हो गया। हां बेटा इसके अंदर ही घुस जाओ घुस जाओ इसके अंदर बस मैं तो सोने की तैयारी में हूं। ये डे नाइट जागे हुए हैं 2 दिन से 3 दिन से शूट पे थे इसलिए नींद में है और सोएंगे अभी। ओके गाइस मैं भी सोई कल संडे है लेट उठना है है ना। तो गाइज हम लोग आ गए थे शादी से और नवी के यहाँ से चाय पीने गए थे हम लोग पी के आ गए और अभी थोड़ा प्रोग्राम देखेंगे उसके बाद हम सो जाएंगे। तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज नीडर माय व्लॉग और बेल आइकन को जरूर दबाना। हाँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऑल पे सेट कर देना। गुड नाइट आदि गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।